हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा आपको पता है, टर्म वन में एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे, बच्चे परेशान हैं कौन से क्वेश्चंस आएंगे कौन से नहीं आएंगे। तो ये जो मार्क्स बूस्टर है, मार्क्स बूस्टर का मतलब है जो वेरियस रेफरेंस बुक आप यूज करते हैं, जो क्वेश्चन आप बहुत सारे सॉल्व करते हैं उसके क्वेश्चन रहते हैं। साथ के साथ मैं पहले आपको ये दिखा दूँ, ठीक है, कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में फिलहाल हमारे सिलेबस में क्या है। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं जो कि डेफिनेशन, रेंज, यानी डेफिनेशन मतलब साइन इनवर्स फंक्शन कैसे आया, ठीक है, उसमें डोमेन क्या है, रेंज क्या है, और प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, बस इस पे क्वेश्चंस आने, ज़्यादा नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी मेरा एक सजेशन है, आप सिंप्लीफिकेशन पढ़ लीजिए, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में तो यूज होगा, बाकी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, और इंटीग्रेशन में भी काम आ सकता है। तो सिंप्लीफाई करना सीख लीजिए, ज़्यादा हार्ड हार्ड क्वेश्चन मत करिए। लेकिन मेरा एक पर्सनल सजेशन है, जैसे होता ना कि कई बार सीबीएसई दे देते हैं कुछ क्वेश्चन, तो आपको थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज होगी तो बढ़िया रहेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने हैं, कौन कौन से नहीं करने हैं, वो क्लियर हो जाएगा आपको। साथ के साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं, हमारा जो चैनल है मैथमेटिक्स स्टडी हब, अगर आप इसके प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपको ट्वेल्थ क्लास का काफ़ी कंटेंट मिल जाएगा। जैसे एनसीईआरटी पूरी सॉल्व करवा रखी है मैंने चैप्टर वाइज, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आप सॉल्व कर सकते हैं, साथ के साथ केस स्टडी के क्वेश्चन भी आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, एमसीक्यू भी आप यहाँ से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इनको जरा देख लेना आप लोग, ठीक है। चलिए अब आते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के मार्क्स बूस्टर पे, कौन कौन से क्वेश्चंस आपको करने हैं, कौन कौन से नहीं करने हैं, ठीक है। तो जैसे डे वन को अगर, अच्छा ये कहाँ मिलेगा आपको, तो आप टेलीग्राम पे, मैं डाल दिया हूँ इस मार्क्स बूस्टर को, तो टेलीग्राम की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लेना आप लोग, ठीक है। अच्छा आप देख लेते हैं कौन कौन से करने हैं। तो यार डे वन जो है वो पूरे ही करना है, यहाँ पे आपको प्रिंसिपल वैल्यू के रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप पूरा करेंगे, यानी फर्स्ट भी करना है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, सब कुछ करना है आपको, यहाँ सारे क्वेश्चंस करने हैं आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स भी करना है, सेवन भी करना है, प्रिंसिपल वैल्यू वाले सारे क्वेश्चन करने हैं, एट, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन, फोर्टीन, ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है। फोर्टीन हो गया यहाँ पे, ये भी सारे करने हैं, फिफ्टीन, डोमेन बताओ, ये तो क्वेश्चन इस बार जरूर आ सकते हैं डोमेन वाले, प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे करने हैं, ट्वेंटी वन, ट्वेंटी टू, ट्वेंटी थ्री, ट्वेंटी फोर, ठीक है, यहाँ तक हो गया, सारी करने आपको, ओके। अब यहाँ से क्या है ना, कुछ सिंप्लीफाई करने वाले क्वेश्चंस भी हैं, जैसे ये सिंप्लीफाई करने का है, तो यार इतना तो सीख लेना यार, क्योंकि इतना जरूरी है आपको सीखना सिंप्लीफाई करना। तो ये लिखा जरूर नहीं है सिलेबस में, लेकिन मेरी पर्सनल सजेशन है कि आप सिंप्लीफाई करने वाले क्वेश्चन हार्ड हार्ड नहीं करेंगे, लेकिन किस लेवल तक करेंगे वो आप जरूर देख लेना, ठीक है। जो मैं टिक करवा रहा हूँ उतने क्वेश्चन आप जरूर करके जाएं। अब जैसे ये सिंप्लीफाई करने के क्वेश्चन हैं, ये कोर्स में नहीं है, ये तुम्हारे कोर्स में नहीं है सिंप्लीफाई करने के, इनको आप स्किप कर सकते हैं, यहां से लेके फिफ्थ तक आप ना करें, फिफ्थ तक आप ना करें, एक मिनट इरेज कर लूं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, यहां तक आप ना करें, फिफ्थ क्वेश्चन तक ये ना करें, क्वेश्चन नंबर सिक्स कर लेना, इस तरीके के सिंप्लीफाई वाले सीख लो, क्योंकि बाद के चैप्टर्स में भी आपको काम आ जाएंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे जो फोर और सिक्स मार्क्स के क्वेश्चन हैं, इनमें क्या करना है क्या नहीं करना है वो जरा देख लो, ठीक है, क्या नहीं करना है क्या करना है। अब जितना मैं बोल रहा हूँ उतना जरूर करना है, रीजन मैं बताता हूँ, केस स्टडी पे क्वेश्चन आएगा तो केस स्टडी में कोई ना कोई फॉर्मूला छोटा छोटा यूज हो सकता है, मैं आपको इसका प्रूफ भी दिखा सकता हूँ। अगर आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का केस स्टडी देखा है जो लास्ट ईयर बोला गया था, उसमें थे, ठीक है, क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया भी है, तो थोड़ा थोड़ा आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, बहुत ज्यादा भी नहीं पढ़ना है, ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या नहीं करना है, जैसे इतना बड़ा क्वेश्चन अब नहीं आएगा तो ये छोड़ सकते हो, ठीक है, एट छोड़ दो, नाइन छोड़ दो, जो इम्पोर्टेंट है वो कर लो, जैसे टेन कर लो, इलेवन छोड़ दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, ट्वेल्व छोड़ दो, थर्टीन छोड़ दो, फोर्टीन छोड़ दो, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे इस बार, फिफ्टीन छोड़ दो, ठीक है, फिफ्टीन छोड़ दो, ये क्वेश्चन नहीं आने वाले। अब यहाँ पे आप ये वाला कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन कर लीजिए, सेवनटीन कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 21 छोड़ दीजिए, 20, 22 भी छोड़ दो, 23 भी, 24 के लेना, ठीक है, 25 छोड़ दो, ये सब नहीं आएंगे अब, ठीक है, ये सब छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, 29 तक छोड़ दीजिए, यहाँ तक यार इतना आप करोगे तभी सही रहेगा, ये भी 30 पे क्रॉस कर लो, 31 पे भी क्रॉस, 32 कर लेना, ठीक है, 33 पे क्रॉस, 34 पे क्रॉस, ठीक है, 35 करना, 36 कर लेना, 37, तो कुछ तो एक्स्ट्रा पढ़ोगे ना यार, यार बोर्ड है, रिस्क भी लेना ना हम लोगों को, ठीक है,
तो कुछ चीजें एक्स्ट्रा हम करेंगे। 38 यहाँ पे थोड़े क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको आप कर लेना। 40, 41 छोड़ दो, 42 छोड़ दो, 43 कर लेना, 44 कर लेना। तो देखिए टिक कर लूँ सब लोग, आई होप सबको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें डे थ्री की, तो डे थ्री में सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है बेसिक फॉर्मूले बेस्ड, तो कौन कौन से लेवल तक आ सकता है, कौन से लेवल के नहीं आएंगे वो जरा देख लो टिक करके। फर्स्ट कर लेना, सेकेंड कर लेना, थर्ड छोड़ दीजिए, फिफ्थ छोड़ दो, सिक्स छोड़ दो, सेवन सिक्स कर लो, ठीक है, सेवन छोड़ दो, एट छोड़ दो, ठीक है। नाइन कर लीजिए, ये सब छोड़ दो, टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ थर्टीन फोर्टीन ये सारे छोड़ दीजिए यहाँ पे, ठीक है। ये छोड़ दो 15, 16, 17, 18 ये सारे क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। मैं उतनी क्वेश्चन करवा रहा हूँ ठीक, जिसमें चांसेस हैं, मतलब एक तो है कि भाई कुछ तो देखो, वैसे तो क्वेश्चन क्या है, डोमेन का आना है, प्रिंसिपल वैल्यू का आना है, फिर भी मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन टिक करवा दी बाई चांस, अगर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनना होगा तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो बस लास्ट में ये क्वेश्चन भी छोड़ने हैं, लास्ट में आपको ये 20 और 21 भी छोड़ देना है और 19 वाला भी छोड़ना है, बस इतना ही है मार्क्स बूस्टर। यानी इस चैप्टर में बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, ठीक है, बहुत बेसिक सी चीजें आपको करनी है इस चैप्टर से और आपको अच्छे से नंबर फोड़ना है, ठीक है। तो आई होप आप मेरे मिशन में 100 में 100 में बिल्कुल पार्टिसिपेट करेंगे, आपको फोड़ना है 100 में 100। जो भी आपकी क्वेरीज है कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं ट्राई करूंगा उस पर वीडियो बनाने का, ठीक है। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, बाकी सारी चीजें मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय टू ऑल।